भारत माता की, भारत माता की। महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थ नगर मां हम आप सभाय का प्रणाम करित है। महात्मा बुद्ध जौने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताइन वह धरती पर साए आज प्रदेश के नव मेडिकल कॉलेजन के उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत के सपना पूरा कर बदे ये एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, मंच पर उपस्थित यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संतोष हो गया, अगर संतोष हो गया तो बैठिए। देखिए आपको मैंने पूरा अवसर दे दिया। आपकी इच्छा हमारे सराहकों पर। तब आप इजाजत दे तो मैं शुरू करूं। आपकी इजाजत है? आपको नारे वगैरह संतोष हो गया ना? आपके इस प्यार के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन अब ये उत्साह अभी कई महीनों तक चला रहा है। जिन अन्य स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज बने हैं वहां उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थ नगर में यूपी के नव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना
शुरू होने जा रही है और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की, दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थ नगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थ नगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। और इसके लिए मैं योगी जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जन सेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा। भाइयों और बहनों, यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है।